नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आज सुबह से उपचुनाव के रिजल्ट का दिन है और आज सुबह से लगातार पोलिंग के रिजल्ट आ रहे हैं, जिसके साथ आरजेडी के जो अमर पासवान है उनकी जीत कहीं ना कहीं तय है। उसके पहले आरजेडी में कार्यक्रम हो रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं। अभी यहाँ की हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रदेश अध्यक्ष है उर्मिला जी, क्या कुछ कह रही है ये सुनते हैं। कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी का दिन है, चूँकि पार्टी ने हम पे विश्वास करके हमें भेजे थे बुझा उपचुनाव में, जहां मनका बिशन प्रचंड पंचायत का मुझे प्रभार भी मिला और पार्टी ने, ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने जो है मुझे स्टार प्रचारक भी बनाई थी। मैं वहां गांव-गांव घूमने का काम की थी, खास करके मनका बिशनपुर चांद पंचायत में मैं घर घर घूमी थी और लोगों के मन में एक बहुत बड़ा आक्रोश था। न जाति न पार्टी को लोगों ने देखा, चाहे वो सबसे नीचे तबका के कास्ट के लोग हों या अपर कास्ट के लोग हों, सारे के सारे लोगों ने एक ही बात कहा कि मुझे तेजस्वी यादव पर भरोसा है और तेजस्वी यादव के नीति और सिद्धांत पर मैं विश्वास करती हूँ। और सारे के सारे लोग जाति पार्टी सबसे ऊपर उठ करके तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उर्मिला जी, हम लोग जो है अमर पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। और मैं एक प्रभारी वहाँ की होने के नाते और स्टार प्रचारक होने के नाते, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष होने के नाते बझा की तमाम जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके प्रति, जो है उनको बधाई देती हूँ। ये जीत जो है राष्ट्रीय जनता दल की जीत नहीं है, ये जीत बुझा विधानसभा के आम आवाम जनता की जीत है, जो महंगाई से त्रस्ते हैं, जो भ्रष्टाचार से त्रस्ते हैं, बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं होता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जो आए दिन रोज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत से आम आवाम काफ़ी त्रस्त हैं और जो रोज छिनतई होती है, रोज हत्याएं होती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है गैंगरेप और बलात्कार हो रहा है, तो पूरी की पूरी जनता जो है एकजुट होकर के और एक मुश्त वोट जो है दे करके हमारे आदरणीय नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक खड़े रहते हैं जनता के साथ, कभी कुर्सी की परवाह नहीं किए, वो हमेशा जनता की परवाह किए हैं, हमेशा गरीब गुरुओं और ए टू जेड की पार्टी उन्होंने बनाई है और सारे लोगों का विश्वास जीतने इस जीत के बाद आप लोग का अगला कदम क्या? हम लोग का तो अगला कदम हमेशा जन सरोकार के सवाल पर हमेशा हमारी पार्टी जो है लड़ते रहती है, चलते रहती है, महंगाई के सवाल पर, किसान के सवाल पर, छात्र नौजवान को जो बेरोजगारी है उसके सवाल पर। आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता बोले थे जो चुनाव में कि अगर मैं सरकार में आऊँगा तो मेरा जो कैबिनेट का फर्स्ट बार जो कलम उठेगा तो उसमें हम 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके विपरीत में बीजेपी वाले बोले थे कि हम 19 लाख जो है रोजगार देंगे, तो रोजगार तो पकौड़ा तलना भी उन्होंने अनाउंस किया कि पकौड़ा जाके तलिए, तो रोजगार 2 करोड़ के जगह पर पकौड़ा तलने के लिए कह दिए। तो सभी लोग हमारे आदरणीय नेता पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और आज जो युवा पीढ़ी है जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जिन्हें कोई पढ़ लिख लेने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिला, अगर एक वैकेंसी निकलता है तो 4 साल के बाद पता चलता है कि मेधा वाला नहीं गया, बिना मेधा वाला पता नहीं जो फॉर्म भी नहीं भरा उसको जॉब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे के सारे लोग हर आम आवाम जो है हमारे आदरणीय नेता पर भरोसा किए हैं और आदरणीय ये नेता के भरोसा की जीत है जो जनता ने उन पर विश्वास करती है। देखिए बोचहा चुनाव का आज रिजल्ट का दिन है, सुबह से लगातार पोलिंग पे पोलिंग हो रही है और उम्मीद है कि जीत आरजेडी को जीत हासिल होगी। इसके साथ जो ये मैम थी स्टार प्रचारक थी, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। गुप्ता पटना।